गाइस, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल और पालक, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ गया है तो हरी सब्जियां भी खूब आएगी। तो आज हम बनाएंगे पालक और दाल की मिक्स सब्जी। बहुत ही हेल्दी होती है ये रेसिपी और टेस्टी भी लगेगी। जो बच्चे पालक नहीं खाते हैं वो इस दाल के साथ पालक भी खा लेंगे और बहुत ही टेस्टी की सब्जी मिलेगी, सब्जी बनेगी। और आप इस सब्जी को मक्की की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ खाएंगे तो वो और भी टेस्टी लगेगी। तो चलिए आइए बनाते हैं हम दाल पालक। तो यहाँ मैंने चने की दाल ली थी, उसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले ही धोकर भिगो दी थी, जिससे ये सॉफ्ट हो गई है। देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ दाल ली है मैंने, आधी कटोरी मैंने यहाँ पर चना दाल ली है। और यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से साफ कर कर धो लिया है, ताकि इसके अंदर जो भी धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। तो यहाँ अब हम जो दाल है, दाल के अंदर हम डाल देंगे पालक को। पर ये ध्यान रखना है, पालक को अच्छे से साफ कर कर धो कर ही हमको यूज़ करनी है, क्योंकि पालक के अंदर जानवर भी आते हैं जो इनके ऊपर, पत्तों के ऊपर चिपके रहते हैं, और मिट्टी भी आती है। इसीलिए अच्छे से इसको धोकर फिर ही हमको यूज़ करना है। तो पालक को इसके अंदर डाल देंगे और अब इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे नमक। नमक आपके स्वाद के अनुसार ऐड करना है। नमक ऐड कर लिया, उसके बाद मसालों में हम यहाँ हल्दी डालेंगे। हल्दी और नमक डालकर हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो 2 से 3 सीटी लेंगे, क्योंकि चना दाल डाल रहे हैं इसलिए हमने चना दाल को 2 से 3 घंटे पहले ही धोकर भिगो दिया था, ताकि वो कम टाइम ले पकने के लिए और अच्छे से पक भी जाए। तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 ग्लास पानी। तो चलिए इसको अब हम सीटी लगा लेते हैं, 2 से 3 सीटी ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब चलिए दाल को छोंक लगाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है, उसको मैंने मैनुअल चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है, उसको भी मैंने मैनुअल चॉपर में चॉप कर दिया है। यहाँ पर मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, उसको भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर दिया है। और यहाँ पर 1/2 इंच टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, उसको मैंने घिस लिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं दाल और पालक को की सब्जी। तो चलिए यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी मैंने। तो यहाँ मैंने ये चम्मच भरकर, मैंने 1 से 1.5 चम्मच भरकर सरसों का तेल लिया है, और ये सब्जी सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। तो चलिए तेल गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम डालेंगे प्याज और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। डालेंगे इसके अंदर लहसुन, और इसके अंदर हम 1/2 लहसुन ही डालेंगे। 1/2 लहसुन हम जब एक बार और छोंक लगाएंगे तब डालेंगे। और लहसुन डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च, और इसको भी हम थोड़ा सोते कर लेंगे। और लास्ट में हम यहाँ डालेंगे अदरक, और हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ देखिए ये अच्छे से भुन चुके हैं। और यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उसको भी मैंने मैनुअल चॉपर में बारीक कर लिया है, तो इसको भी हम अब ऐड कर लेंगे। यहाँ पर अब हम तीखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 से 1.5 चम्मच भरकर हम यहाँ पर डालेंगे धनिया पाउडर। मिर्ची आपके अकॉर्डिंग आप यूज़ करना, जितना तीखा आप पसंद करते हैं उतनी मिर्ची आप ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम 1 स्पून भरकर पानी डालेंगे, ताकि हमारे मसाले
जले नहीं और अच्छे से पक जाए। और अभी तक हमने नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमने जब दाल और पालक को उबालने के लिए रखा था तब उसके अंदर हमने नमक ऐड किया है, तो नमक को हम लास्ट में ऐड करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। यहाँ हम देख लेते हैं हमारे दाल का क्या हाल हुआ है। तो हमारे यहाँ दाल अच्छे से पक चुकी है, देखिए अच्छे से हम देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारी दाल भी अच्छे से पक चुकी है, इसको हम थोड़ा सा चम्मच की सहायता से ही दाल को मैश कर देंगे। तो यहाँ हमारी दाल पालक तो रेडी है, बस मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। तो यहाँ देखिए हमारे मसालों से तेल अलग होने लग गया है, इसका मतलब हमारा मसाला लगभग होने आया है। तो यहाँ हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारी ये दाल और पालक। तो यहाँ पर आप जितनी गाढ़ी रखनी चाहते हैं दाल को, तो यहाँ आप पानी मत डालिएगा। अगर आप थोड़ी सी पतली चाहते हैं दाल को तो इसके अंदर आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी ऐड किया है। तो इसको हम अच्छे से एक से दो उबाल आने तक पकाएंगे। देखिए अच्छे से उबाल आ रहा है सब्जी में, और यहाँ लास्ट में हम यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच भरकर गरम मसाला ऐड किया है मैंने, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये सब्जी आप खाइए मक्की की रोटी के साथ गर्मा गर्म, बहुत ही टेस्टी लगती है। और सर्दियों के सीज़न में तो मक्की की रोटी अक्सर घरों में बनती ही है। मक्की की रोटी है, बाजरे की रोटी है, उसके साथ अगर ये सब्जी खाई जाए तो क्या कहने हैं। तो बस इसको अब हम मुश्किल से दो से तीन मिनट और पकाएंगे और हमारी ये सब्जी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हमारी दाल में अच्छे से उबाल आ चुका है और अच्छे से पक भी चुकी है, तो इसको अब हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और चलिए इसके अब ऊपर से एक मैजिक छौंक की तैयारी करते हैं। अब हम छोंक लगा देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, और इसके अंदर घी का छोंक बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ हमारा घी गर्म हो जाएगा, और तो यहाँ हमारा घी गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे जो लहसुन हमने बचा के रखी थी वो ऐड कर लेंगे। को अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए इसका तब तक के लिए। और यहाँ मैं डाल रही हूँ दो सूखी लाल मिर्च, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, अगर आपके पास ना हो तो भी कोई नहीं। तो यहाँ हमारा छौंक रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम छौंक लगा देते हैं हमारी दाल में। तो ये दाल, और इसके अंदर हम ऊपर से ये छौंक लगा देंगे। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेगा अपने घर पर, और मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।